जैसा कि आप सभी को पता है, चार नए लेबर लॉज आ रहे हैं जिन्हें हम लेबर कोड्स के नाम से जानते हैं। इन सभी लेबर कोड्स के ऊपर मैं डिटेल वीडियोस बना रहा हूं और साथ में जो एग्जिस्टिंग लेबर लॉज हैं जिसकी की लिस्ट में यहां पर आपके सामने दे रहा हूं, ये सारे जो लेबर लॉज हैं इनके भी डिटेल वीडियोस में इसी चैनल पे अपलोड करने जा रहा हूं। तो ये सारे लॉज, जितने भी वीडियोस हैं, ये एचआर मैनेजर और वर्किंग प्रोफेशनल के लिए काफी हेल्पफुल हैं, साथ में कंसल्टेंट और स्टूडेंट्स के लिए भी ये काफी हेल्पफुल रहेंगे। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड इफ यू लाइक दीज वीडियोस देन मेक श्योर दैट यू प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर विद एज मैनी पीपल एज यू कैन एंड ऑल्सो क्रिएट अ प्लेलिस्ट गिविंग अ नेम लेबर लॉस, और उसमें सारे वीडियोस आप सेव करें उस प्लेलिस्ट में, तो कभी भी आपको ये देखना है वापस से तो वो आप देख सकेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप ऑन वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर कोच शांतनु एंड टुडे आई एम गोइंग टू कवर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। इट विल बी हेल्पफुल फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट कवर्ड द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट टिल नाउ और दो स्टूडेंट्स हु हैव कवर्ड बट दे हैव फॉरगॉट एवरीथिंग। सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम टू रिकैप द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ऑल द इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस आई एम गोइंग टू कवर हियर। तो आइए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज द स्टडी ऑब्जेक्टिव, हमें इस एक्ट में क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट वी विल सी द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट, व्हाई दिस एक्ट हैज बीन फॉर्म वी विल सी फर्स्ट, एंड देन सेकंड वी विल सी दिस एक्ट विल बी एप्लीकेबल टू हूम। सो इसमें एक इंडस्ट्रियल एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन दे रखी है, वो हमें देखना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आइटम है इस पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का, वो है डेफिनेशन ऑफ वेजेस इटसेल्फ। तो वेजेस में क्या क्या इंक्लूड है वो हम देखेंगे, और साथ ही साथ व्हाट आर द एक्सक्लूजन्स फ्रॉम वेजेस, वेजेस में क्या इंक्लूड नहीं होता है वो भी देखेंगे। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द वेजेस। देन हम देखेंगे टाइमली पेमेंट का प्रोविजन, यानी पेमेंट जो आप करते हैं वर्कर्स को वो टाइम पे होना चाहिए, इस एक्ट में ऐसा साफ साफ प्रोविजंस है। साथ ही साथ डिडक्शंस कि आप जो पेमेंट करते हैं वर्कर्स को वेजेस का, उसमें से क्या क्या आप डिडक्शन कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, ये हम देखेंगे डिडक्शंस में। देन वी विल सी एट द एंड की रजिस्टर एंड रिकॉर्ड टू बी मेंटेन अंडर दिस एक्ट। सो लेट्स फर्स्ट सी द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट इज टू रेगुलेट, ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, रेगुलेट करना, रेगुलेट द पेमेंट ऑफ वेजेस टू वर्कर्स। तो वर्कर्स को जो पेमेंट किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, कब किया जाता है, उसको रेगुलेट करता है ये एक्ट। लेकिन ये कौन से वर्कर है, ये वो वर्कर है जो एम्प्लॉयड है सर्टेन स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज, यानी कुछ ही इंडस्ट्रीज जो सर्टेन स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज है, उन्हीं के जो वर्कर है उन्हीं पे ये एक्ट लगेगा, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। साथ ही साथ ये एक्ट स्पेसिफिकली एंश्योर करता है कि जो एम्प्लॉयर है वो इलीगली उनके वेजेस में से कुछ डिडक्ट ना कर सके, जो वेजेस उसको मिलते हैं उसमें से कुछ भी डिडक्शन इलीगली नहीं कर सके, और साथ ही वो डिलेड पेमेंट ऑफ वेजेस भी ना करे, यानी वेजेस उसको टाइम पे मिले वर्कर को और पूरे वेजेस मिले, उसमें से कुछ डिडक्शन वो इलीगल डिडक्शन नहीं कर सके। तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मैंने जैसे बताया था कि ये सभी जगह एप्लीकेबल नहीं है, सर्टेन स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज में ही एप्लीकेबल है। सो एक्ट अप्लाइज टू ऑल द पर्संस एम्प्लॉयड इन फैक्ट्री, सबसे पहले तो फैक्ट्री में जितने भी पर्संस एम्प्लॉयड हैं उनके ऊपर ये एक्ट लगेगा। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल और अदर एस्टेब्लिशमेंट अगर कोई है तो उसके ऊपर भी ये एक्ट लग जाएगा, और रेलवे, तो रेलवे के ऊपर भी ये एक्ट लगता है, रेलवे में जो भी एम्प्लॉयड है उनके ऊपर ये एक्ट लग जाएगा, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू सब कॉन्ट्रैक्टर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप समझ लीजिए। जैसे ये एक फैक्ट्री है, सपोज दिस इज अ फैक्ट्री, और यहाँ फैक्ट्री में काफी वर्कर हैं जिसके ऊपर ये एक्ट लगेगा, लेकिन यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्टर है, लेट से ये कॉन्ट्रैक्टर अपने जो वर्कर्स हैं बहुत सारे ये इस फैक्ट्री में प्रोवाइड करता है काम के लिए,
तो माना कि ये वर्कर जो है ये इस कॉन्ट्रैक्टर के हैं, लेकिन अगर ये इस फैक्ट्री में काम करते हैं या इंडस्ट्रियल अदर एस्टेब्लिशमेंट है उसमें काम करते हैं या रेलवे में एज ए कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉय, तो उनके ऊपर भी ये एक्ट लग जाएगा। इसका मतलब अगर वर्कर डायरेक्टली एम्प्लॉयड है फैक्ट्री में कोई वर्कर, तो भी उसके ऊपर ये एक्ट लगेगा, और अगर वो इनडायरेक्टली किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू वहाँ काम कर रहा है तो उसके ऊपर भी ये एक्ट लग जाएगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, दिस एक्ट विल बी एप्लीकेबल टू हूम, तो यहाँ पे हमने देखा पर्संस हु एम्प्लॉयड इन फैक्ट्री, सबसे पहला फैक्ट्री, दूसरा इंडस्ट्रियल और अदर एस्टेब्लिशमेंट, और तीसरा रेलवे। इन तीनों जगहों पर ये एक्ट लग जाएगा। तो इंडस्ट्रियल और अदर एस्टेब्लिशमेंट को हम डिटेल में देखेंगे जो इस एक्ट में डिफाइन कर रखा है इन्होंने। अब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल और अदर एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन। अब ये जो डेफिनेशन है थोड़ी लंबी है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इंडस्ट्रियल अदर एस्टेब्लिशमेंट को डिफाइन कीजिए पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में, या फिर इसके ऊपर केसेस आ सकते हैं कि वेदर दिस विल बी ट्रीटेड एज इंडस्ट्रियल और अदर एस्टेब्लिशमेंट और नॉट। तो सबसे पहले हम इसका पहला पॉइंट देखेंगे, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट मीन्स ट्रामवे सर्विस। ट्रामवे होती है, आपने देखा होगा सड़कों पे चलती है, लाइक अ ट्रेन पटरी रहती है और चलती है, इसको हम बोलते हैं ट्रामवे। तो ट्रामवे सर्विसेज में यानी ये जो सर्विसेज है इसको इंडस्ट्रियल अदर एस्टेब्लिशमेंट माना गया है, और इसके अंदर जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसके ऊपर ये एक्ट लग जाएगा। साथ ही साथ अदर मोटर ट्रांसपोर्ट इन्होंने बोला है, तो ट्रामवे सर्विस या कोई भी अदर मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विस एंगेज इन कैरिंग द पैसेंजर्स और गुड्स और बोथ बाय रोड फॉर हायर और रिवॉर्ड। तो इसका मतलब आपने देखा होगा आपकी बसेस चलती हैं, बसेस ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है, और इसमें पैसेंजर भी कैरी होते हैं या कभी कभी गुड्स भी कैरी करती है। तो ऐसे केस में ये जो ट्रांसपोर्ट है मोटर ट्रांसपोर्ट, इसे हम इंडस्ट्रियल अदर एस्टेब्लिशमेंट कहेंगे, और जितने भी पर्सन एम्प्लॉयड हैं यहाँ पर ये सभी पे ये एक्ट लग जाएगा, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। इसके बाद सेकंड पॉइंट में इन्होंने कवर किया है इंडस्ट्रियल अदर एस्टेब्लिशमेंट में एयर ट्रांसपोर्ट। तो अभी तो हमने रोड का ट्रांसपोर्ट देखा, अभी इन्होंने बोला है एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अदर देन सच सर्विस बिलोंग टू एक्सक्लूसिवली एम्प्लॉयड इन मिलिट्री नेवल एयरफोर्स ऑफ यूनियन और सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसका मतलब ये है कि जो एयर ट्रांसपोर्ट होता है, जितने भी हवाई जहाज उड़ते हैं आपने देखा होगा प्लेन सर्विसेज, वो सब भी इंडस्ट्रियल अदर एस्टेब्लिशमेंट में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर केस आ सकता है, मिलिट्री नेवल और एयरफोर्स जो यूनियन के अंडर में आता है उसके ऊपर ये एक्ट नहीं लगेगा। साथ ही साथ सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सिविल एविएशन है जिसमें वो हवाई जहाज उड़ाते हैं, प्लेन्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनके ऊपर ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट नहीं लगेगा। इसके बाद बात करते हैं डॉक राफ और जेटी। डॉक राफ और जेटी ये हमने देखा है कि ये जो आपका सी रूट होता है, सी से भी बहुत सारा सामान आता जाता है, तो ऐसे में ये जो डॉक राफ रहता है और जेटी जहाँ पे ये सामान उतरता है, लोडिंग अनलोडिंग होता है, इसे भी इंडस्ट्रियल अदर एस्टेब्लिशमेंट में इंक्लूड किया है। इनलैंड वेसल मैकेनिकली प्रोपेल्ड, इनलैंड वेसल का मतलब है जो अपने नाव नदियाँ जो है वहाँ पर जो आपकी नावें चलती है मैकेनिकली अगर वो प्रोपेल्ड है, तो ऐसे केसेस में इनको भी इंडस्ट्रियल अदर एस्टेब्लिशमेंट में इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ माइन क्वेरी और ऑयल फील्ड माइंस हैं, जैसे कोल माइंस होती हैं या फिर किसी भी मेटल की माइंस हैं, इनको भी इसमें कवर किया है, ऑयल फील्ड को भी कवर किया है इंडस्ट्रियल अदर एस्टेब्लिशमेंट। देन प्लांटेशन एक्टिविटी को भी इंडस्ट्रियल अदर एस्टेब्लिशमेंट में कवर किया है। वर्कशॉप एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट इन विच आर्टिकल आर प्रोड्यूस्ड अडाप्टेड और मैन्युफैक्चर्ड विद अ व्यू टू देयर यूज ट्रांसपोर्ट और सेल। तो साफ साफ इन्होंने कहा है कि ऐसी कोई भी वर्कशॉप हो या अदर स्टेप जहाँ पे कुछ प्रोड्यूस हो रहा है या अडॉप्ट हो रहा है आर्टिकल्स का और मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है, और ये क्यों हो रहा है, विद अ व्यू टू सेल या यूज या ट्रांसपोर्ट, तो ऐसे वर्कशॉप्स को भी इन्होंने इंडस्ट्रियल अदर एस्टेब्लिशमेंट में ले लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने स्पेसिफिकली कवर किया है एनी वर्क रिलेटिंग टू बिल्डिंग रोड्स
ब्रिजेस और कैनाल्स, तो रोड आप बना रहे हैं, ऐसी कोई एस्टेब्लिशमेंट है उनको इंडस्ट्रियल अदर एस्टेब्लिशमेंट में ले लिया है, ब्रिजेस बना रहे हैं या फिर कैनाल्स बना रहे हैं, इन सभी को इस डेफिनेशन में कवर कर लिया है। या फिर नेविगेशन, इरिगेशन और टू सप्लाई ऑफ वाटर रिलेटिंग टू जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और एनी अदर फॉर्म ऑफ पावर। तो इवन नेविगेशन या इरिगेशन जो आप इसमें कनेक्टेड हैं ऑपरेशंस में, या फिर सप्लाई ऑफ वाटर करते हैं, तो इसको भी इंडस्ट्रियल अदर एस्टेब्लिशमेंट में लिया है। और साथ ही साथ जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर आप करते हैं तो आप इंडस्ट्रियल अदर एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन में आ जाते हैं। लास्ट है एनी अदर एस्टेब्लिश, तो अगर कोई छूट गई है तो इन्होंने बोला है एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट और क्लास विच गवर्नमेंट हैविंग रिगार्ड टू देयर नेचर और द नीड टू प्रोटेक्ट द वर्कर में स्पेसिफाई। तो यहाँ पे हमने एच पॉइंट तक जितने भी एस्टेब्लिशमेंट देखे हैं उनको इंडस्ट्रियल अदर एस्टेब्लिशमेंट में माना जाएगा, और साथ ही साथ गवर्नमेंट को अगर लगता है तो और अदर एस्टेब्लिशमेंट को भी वो स्पेसिफाई कर सकती है, और अगर वो स्पेसिफाई करती है तो ये एक्ट उनके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो सर कैसे लिखेंगे, तो भाई कीवर्ड्स आपको इसमें ध्यान रखने पड़ेंगे, पूरा का पूरा मग करने की जरूरत नहीं। कीवर्ड्स देखिए जैसे ट्रामवे, मोटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, डॉक, राफ्ट, इनलैंड वेसल, माइन, प्लांटेशन, वर्कशॉप, अदर एस्टेब्लिशमेंट, या फिर रिलेटिंग टू बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिजेस, कैनाल्स, इरिगेशन, सप्लाई ऑफ वाटर, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट विच इज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट। अब हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एक्ट, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ वेजेस। यहां पे इन्होंने कहा है कि वेजेस मींस ऑल रिमुनरेशन, ऑल जो भी आप किसी वर्कर को आपके यहाँ जो काम कर रहा है, जो भी आप कुछ दे रहे हैं उसको, वॉट एवर यू आर गिविंग, कैसे दे रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो आपका एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट था इस वर्कर के साथ उसके हिसाब से आप जो भी इस वर्कर को दे रहे हैं, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको कि आप मनी में मेजर कर सकते हैं, चाहे आप उसे सैलरी कहिए, सैलरी नाम दे दीजिए या कुछ भी और नाम दे दीजिए, लेकिन आप जो कुछ भी दे रहे हैं एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप उसको दे रहे हैं एंड विच इज एक्सप्रेस्ड इन मनी, विच इज केपेबल ऑफ एक्सप्रेस्ड इन मनी, और चाहे उसका नाम सैलरी नाम से दो, वेजेस दो, अलाउंस दो, कुछ भी दो, तो वो सभी का सभी इस वेजेस की डेफिनेशन में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस वर्कर को आप 10,000 रुपीज देते हैं एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, यस इट विल कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ वेजेस, लेकिन आपने बोला कि नहीं सर, इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि 10,000 हम पेमेंट करेंगे और साथ में एक ग्राम सिक्का भी इसको देंगे चांदी का, तो ये जो चांदी का सिक्का है ये आप मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको, तो ये भी इस वेजेस की डेफिनेशन में आ जाएगा। यहाँ पे जो डेफिनेशन है वेजेस की, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक्ट केवल वेजेस पे ही लगेगा। फॉर एग्जांपल, अगर एम्प्लॉयर ने किसी एम्प्लॉय से खुश होके अगर कुछ उसे इनाम दे दिया, इनाम आउट ऑफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ऐसा कुछ नहीं लिखा था, और उसे इनाम दे दिया है, तो वो जो इनाम दे रहा है, मान लीजिए उसको एक बाइक दे दी वगैरह वगैरह या कुछ पेमेंट दे दिया, तो वो वेजेस की डेफिनेशन में नहीं आएगा। और क्योंकि ये वेजेस की डेफिनेशन में नहीं आएगा तो वेजेस एक्ट के प्रोविजन उस आइटम पे नहीं लगेंगे। तो अभी तो अगर एग्जाम में आती है तो सबसे पहले आपको मेन स्ट्रक्चर लिखना है वेजेस की डेफिनेशन का, ऑल रिम्यूनरेशन एक्सप्रेस इन मनी and as per the terms of employment which is payable to the worker, whether salary, allowance or otherwise. Now, the wages include, yahan pe government ne in a law specifically says that the wages will include following. To ye to wages ki definition mein hai hi, isme koi doubt nahi hai. Any remuneration payable under award or settlement between the parties or order of the court. तो कभी कभी झगड़ा हो जाता है एम्प्लॉयर में, एम्प्लॉई में, वर्कर में और एम्प्लॉयर में, तो ऐसे में कोई अगर सेटलमेंट होता है और सेटलमेंट के तहत
ये एम्प्लॉयर उस वर्कर को कुछ पेमेंट करता है तो ये वेजेस की डेफिनेशन में आ जाएगा एंड एक्ट इसके ऊपर लग जाएगा. एनी रिमुनरेशन टू विच पर्सन एम्प्लॉयड इज एंटाइटल इन रेस्पेक्ट ऑफ ओवर टाइम वर्क और हॉलीडेज और एनी लीव पीरियड. कई बार ऐसा होता है कि वर्कर की ड्यूटी का जो पीरियड है, ओरिजिनल पीरियड था वो 8 आवर्स था, 8 आवर्स काम करता था, और 8 आवर्स के उसको मान लीजिए 10,000 रुपये महीना मिलता था. लेकिन अगर फैक्ट्री में वर्क ज़्यादा है तो वो एम्प्लॉयर इससे ज़्यादा भी काम कराता है कई बार, और उसको ओवर टाइम वेजेस देता है. फॉर एग्जांपल 2 आवर्स एक्स्ट्रा काम करा रहा है और उसके 4,000 रुपये एक्स्ट्रा वो एम्प्लॉयर उस एम्प्लॉय को पे कर रहा है. तो ऐसे में 4,000 हो जाएगा ओवर टाइम वेजेस, और ये जो ओवर टाइम वेजेस है इसको वेजेस माना गया है तो एक्ट इसके ऊपर लग जाएगा. इसी तरह से ओवर टाइम की जगह हॉलीडे था, संडे के दिन उसकी छुट्टी थी, उस दिन भी काम कराया, उसको भी आप जो भी पेमेंट मिलेगा उसके लिए वो वेजेस की डेफिनेशन में आएगा, या उसकी छुट्टी के दिन थे और उसमें उसने काम कराया वो भी वेजेस की डेफिनेशन में आ जाएगा. थर्ड पॉइंट है एनी एडिशनल रेमुनरेशन पेबल अंडर दी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. याद रखना है कुछ भी एडिशनल अगर वो दे रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, लेकिन एज पर दी टर्म्स, टर्म्स के हिसाब से दे रहा है, जिसको जब उसको अपॉइंट किया था उसका टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, कॉन्ट्रैक्ट था, और उसके हिसाब से अगर दे रहा है तो ही वो इस डेफिनेशन में आ जाएगा वेजेस की. तो एडिशनल रिमुनरेशन एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वेदर इट इज कॉल्ड बोनस और एनी अदर नेम. फॉर एग्जाम्पल टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखा है कि आपको यानी वर्कर को दिवाली का बोनस दिया जाएगा. कितना दिया जाएगा? 5,000 रुपये साल में दिवाली का बोनस. तो ये टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर बोनस मेंशन है तो वेजेस की डेफिनेशन में आ जाएगा. नेक्स्ट है एनी सम पेबल अंडर एनी लॉ फॉर द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बट डज नॉट प्रोवाइड फॉर द टाइम विद इन विच द पेमेंट इज टू बी मेड. एंड नाउ वी विल सी वॉट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनीशन ऑफ वेजेस, यानी ऐसे आइटम्स जो वेजेस की डेफिनीशन में नहीं आएंगे. तो सबसे पहले देखिए बोनस, ये कौन सा बोनस है जो आप वॉलेंट्री दे रहे हैं, नॉट एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या अवार्ड या सेटलमेंट. तो अगर कोई वर्कर आपके यहाँ पे काम कर रहा है, उसको 10,000 रुपये आप महीना देते भी हैं, और अगर आप खुशी से दे रहे हैं, नॉट एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वॉलेंट्रीली उसको अगर कुछ बोनस दे रहे हैं, मान लीजिए 5,000 रुपये का बोनस दे दिया वॉलेंट्रीली, नॉट एज पर लॉ, नॉट एज पर द अवार्ड और सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज और कोर्ट ऑर्डर, तो ऐसे जो वॉलेंट्री बोनस है इसको वेजेस की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया है, एक्सक्लूडेड है. दूसरा है वैल्यू ऑफ एनी हाउस एकोमोडेशन और सप्लाई ऑफ लाइट वाटर मेडिकल एमिनिटीज और एनी सर्विस एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंप्यूटेशन ऑफ वेजेस बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. तो अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने अगर इस तरह की सर्विसेज जो आप उसको दे रहे हैं वर्कर को, जैसे हाउसिंग अकोमोडेशन दे दिया है आपने, उसको रहने के लिए जगह दे दी है, उसको सप्लाई ऑफ लाइट वाटर मेडिकल एड दे रहे हैं, या कोई भी एमिनिटी दे रहे हैं, और ये एमिनिटी को हम वेजेस की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे अगर इट इज एक्सक्लूडेड बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने ऐसा ऑर्डर पास किया है कि इसको वेजेस की डेफिनेशन में नहीं लिया जाएगा तो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ वेजेस. तीसरा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है ये, एनी कॉन्ट्रीब्यूशन पेड बाय एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर अगर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन पे करता है टू एनी पेंशन और प्रोविडेंट फंड एंड इंटरेस्ट विच मे हैव अक्रूड देयर ऑन विल नॉट बी ट्रीटेड एज वेजेस. तो हमने देखा है कुछ एक्ट में पेंशन या प्रोविडेंट फंड के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसमें नॉर्मली दोनों कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, वर्कर भी कुछ करता है और एम्प्लॉयर भी करता है, तो एम्प्लॉयर
इस फंड में कुछ भी अगर कंट्रीब्यूट करता है, चाहे वो पेंशन फंड हो या प्रोविडेंट फंड हो, वर्कर के लिए अगर कोई एम्प्लॉयर कुछ कंट्रीब्यूट करता है, मान लीजिए 1,000 रुपये पर मंथ वो कंट्रीब्यूट कर रहा है पेंशन या प्रोविडेंट फंड में, किसके बेनिफिट के लिए? वर्कर के। तो ये जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कर रहा है इस फंड में, इसको वेजेस की डेफिनेशन में नहीं रखा गया है, ये एक्सक्लूडेड है वेजेस की डेफिनेशन से। इसके बाद फोर्थ एक्सक्लूजन है ट्रेवलिंग अलाउंस। अगर आपको कोई ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है किसकी तरफ से? एम्प्लॉयर की तरफ से, या वैल्यू ऑफ एनी ट्रेवलिंग कंसेशंस मिलता है, तो वो ट्रेवलिंग अलाउंस जो आपको मिल रहा है या ट्रेवलिंग कंसेशन, वो वेजेस की डेफिनेशन में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वर्कर है, ये फैक्ट्री आने के लिए इसको बस करके आना पड़ता है, और ये बस का जो चार्जेस हैं ये एम्प्लॉयर उसको अलाउंस दे रहा है इसके लिए, सो दिस इज कॉल्ड ट्रेवलिंग अलाउंस। और ये जो ट्रेवलिंग अलाउंस है इसको बाहर रखा गया है वेजेस की डेफिनेशन से। नेक्स्ट पॉइंट है, एनी सम पेड टू एम्प्लॉयड पर्सन टू डिफर स्पेशल एक्सपेंसेस इंटिल्ड ऑन हिम बाय नेचर ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। अब ये देखिए, वर्कर कभी भी कुछ काम करता है तो उसे कई बार बाहर जाना पड़ सकता है, या वहां पर भी कुछ खास एक्सपेंसेस हो जाते हैं। जैसे ये वर्कर बाहर गया है काम करने के लिए, लेकिन इसको किसी की मदद लेनी पड़ी, हेल्पर की, उस काम को पूरा करने के लिए, और उस हेल्पर को उसने 5,000 रुपये दे दिए उस काम के लिए, और ये 5,000 रुपये उसने एम्प्लॉयर से रीइंबर्स कर लिए। तो इन शॉर्ट, ये जो एम्प्लॉई है, ये वर्कर है जो काम कर रहा है, उसके कुछ एक्स्ट्रा खर्चे हो जाते हैं, स्पेशल एक्सपेंसेस, उसके लिए जो भी एम्प्लॉयर उसको देता है टू मीट आउट दो स्पेशल एक्सपेंसेस, वो वेजेस की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। एंड द लास्ट एक्सक्लूजन इज ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी का कीवर्ड है, आपको याद रखना है, ग्रेच्युटी जो भी आपको मिलती है ऑन द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये वेजेस की डेफिनेशन में नहीं आएगी। याद रखना है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। पहले हमने देखा है टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जो भी उसको एज पर लॉ मिलता है उसको हम वेजेस की डेफिनेशन में लेते हैं, ये हमने पहले वेजेस की डेफिनेशन में देखा है। लेकिन यहां पर बात क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिकली ग्रेच्युटी की। तो ग्रेच्युटी जो अमाउंट है वो उसको टर्मिनेशन पे मिलता है, वो वाला अमाउंट ग्रेच्युटी का जो मिलता है वो वेजेस की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। बाकी कोई दूसरा अमाउंट उसको टर्मिनेशन पे मिलता है एज पर लॉ, तो वो वेजेस की डेफिनेशन में आएगा। ग्रेच्युटी को छोड़ के अगर कुछ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में उसको मिलता है एज पर लॉ, तो वो वेजेस की डेफिनेशन में आएगा, बट ग्रेच्युटी को इन्होंने वेजेस की डेफिनेशन में नहीं रखा है। इसके ऊपर केस आने के बहुत चांसेस हैं। अब हम देखेंगे मेन सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन बोल सकते हैं आप इसको, सेक्शन 3। यहां पे इन्होंने बताया है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस टू द वर्कर। वर्कर को वेज पेमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, यहां पर ये बताया गया है। होता क्या है कि फैक्ट्री में नॉर्मली वर्कर जो काम करते हैं उनको पेमेंट चाहिए रहता है, तो वो मैनेजर से जाके मिलते हैं। मैनेजर बोलता है कि नहीं, साहब नहीं है, साहब यानी वो उनके जो ओनर है, वो कहीं भी घूमते रहे होंगे, वो यहाँ आते ही नहीं। तो ये ऐसा कह के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता। कौन नहीं झाड़ सकता? मैनेजर। मैनेजर यहाँ पर इस एक्ट में इन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, और उस पर्सन को वो वेजेस उस वर्कर को पेमेंट करना ही पड़ेगा टाइम पे। तो वो किसी तरह का बहाना नहीं बना सकता कि वो साहब नहीं है वगैरह वगैरह। तो अब आप इसको देख लीजिए सेक्शन 3 को। सेक्शन 3 सेज दैट एवरी एम्प्लॉयर, यहां पे इन्होंने पहले वर्ड यूज किया है, एवरी एम्प्लॉयर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ ऑल द वेजेस टू द पर्सन एम्प्लॉयड विच इज रिक्वायर्ड टू बी पेड अंडर दिस एक्ट। तो यहां पर सबसे पहले इन्होंने बोला है कि जो एम्प्लॉयर है उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वेजेस का पेमेंट करे। हाउएवर, इन केस ऑफ ए पर्सन एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज, अब बात करते हैं स्पेसिफिक केसेस की। तो इन केस ऑफ ए फैक्ट्री, अगर वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो फैक्ट्री के केस में जो मैनेजर है फैक्ट्री का, मैनेजर वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए, वर्कर वो जो वहां उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। सो
normally employer will be the responsible. However, in case of factory, the manager of the factory is made responsible to make the payment of wages. अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट अगर है, इसकी डेफिनेशन हम पहले ही देख चुके हैं. इंडस्ट्रियल और अदर एस्टेब्लिशमेंट में हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, तो दिस एक्ट सेज दैट इफ देर इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू द एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर यहां बैठा है, यहां पर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है और यहां पर ये पर्सन है, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है एम्प्लॉयर को, तो दिस पर्सन who is responsible to the employer for supervision and control of industrial and other establishment will be responsible to make the payment of wages. So, ye jo bhi person responsible hai for supervision will be the person liable to make the payment of wages. Next hai railway. In case of a railway, the railway administration, and the railway administration has if nominated a person in this behalf, then that nominated person will be the responsible person for making the payment. अब हम देखेंगे next point, contracted labor के case में who will be responsible. बहुत ही interesting case है और इसके ऊपर question आने के chances भी ज्यादा हैं. देखिए एक contractor है और इसके पास बहुत सारे employees, worker हैं, और यहाँ पर ये factory या establishment को ये अपने worker supply कर रहा है. तो क्वेश्चन है कि ये जो वर्कर है इसको पेमेंट ये कॉन्ट्रैक्टर करेगा या फैक्ट्री का कोई एम्प्लॉयर करेगा. तो यहां पर एक्ट में साफ साफ लिखा है कि इन केस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्टेड लेबर अ पर्सन डेजिग्नेटेड बाय सच कॉन्ट्रैक्टर. तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये किसी भी पर्सन को अगर डेजिग्नेट करता है तो ये वाला पर्सन रिस्पॉन्सिबल रहेगा वेजेस पेमेंट करने के लिए इन वर्कर को. और अगर ऐसा नहीं है बाय चांस तो दिस एम्प्लॉयर जहां पे ये वर्कर काम करने जा रहे हैं वो जो एम्प्लॉयर है ही विल बी लायबल टू मेक द पेमेंट. तो फिर से समझ लीजिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर के केस में पहले तो इन्होंने बोला है कॉन्ट्रैक्टर ने जिस पर्सन को ऑथराइज किया है वो लायबल रहेगा, और अगर ऐसा कोई ऑथराइजेशन नहीं है तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर जहां पे काम करने जा रहे हैं जिस फैक्ट्री या अदर एस्टेब्लिशमेंट में वहां का जो एम्प्लॉयर है वो उसको पेमेंट करेगा. तो ऐसे केसेस में ये एम्प्लॉयर ऐसा नहीं कह सकता कि कॉन्ट्रैक्टर से जाके लो. अगर कॉन्ट्रैक्टर ने ऐसा कुछ अरेंजमेंट नहीं किया है तो एम्प्लॉयर को वो पेमेंट करना पड़ेगा. Now after that, after all these what we have seen, who is person responsible, at the end it says that all the above person as the case may be shall be responsible for the payment of wages. Lekin iske baad ek bahut hi important point hai, wo aap samajh lijiye. The employer mein yahan par it includes the legal representative of a deceased employer also. फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं, और ऐसे केस में ये जो एम्प्लॉयर है ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा इनको पेमेंट करने के लिए. बट बाय चांस मान लीजिए ये एम्प्लॉयर की अगर डेथ हो जाती है तो ऐसे केस में दिस लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये एम्प्लॉयर का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, दिस पर्सन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पेमेंट टू द वर्कर्स. ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऐसा नहीं कह सकता कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, एम्प्लॉयर की डेथ हो चुकी है, सो आई कैन नॉट डू. सो दिस लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ वेजेस टू द वर्कर्स. इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, केस आ सकता है एग्जाम में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट. Wages must be paid to the worker on or before the 7th day after the last day of the wage period. This is applicable when there are less than 1,000 workmen are employed, and in any other case wages should be paid on or before the 10th day from the last day of the wage period. Further, it says that the wages should be paid in the currency, coin, notes, or by check, or by crediting the wages in employee's bank account after
ऑब्टेनिंग हिज रिटन अथॉरिटी, तो अगर उसने राइटिंग में दिया है तो आप उसके बैंक अकाउंट में भी वो उसके वेजेस जमा कर सकते हैं. इट शुड बी पेड ऑन वर्किंग डेज एंड इट शुड बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेकंड डे टू द पर्सन हुज एम्प्लॉयमेंट इज टर्मिनेटेड. तो अगर किसी का एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो गया है तो इट शुड बी पेबल बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेकंड डे आफ्टर द टर्मिनेशन. यू हैव टू नोट दैट द वेज पीरियड शेल नॉट एक्सीड 1 month. सो हियर वी वर टॉकिंग अबाउट द वेज पीरियड, इट शुड नॉट एक्सीड 1 month. Now let's see the provisions related to deduction from the wages of an employee. Section 7 says that it allows deduction from the wages of an employee on account of following. Fines can be deducted, absence from duty, then it can be deducted, damages to or loss of goods expressly entrusted to the employee. Agar usse kuch loss ho jata hai goods ka ya damages ho jate hai jiske liye wo responsible tha, तो ऐसे केस में भी वेजेस में से आप डिडक्ट कर सकते हैं. हाउसिंग अकोमोडेशन एंड एमिनिटीज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, दीज चार्जेस कैन आल्सो बी डिडक्टेड. रिकवरी ऑफ एडवांस और एडजस्टमेंट ऑफ ओवर पेमेंट ऑफ वेजेस कैन आल्सो बी डिडक्टेड. रिकवरी ऑफ लोन मेड फ्रॉम एनी फंड कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ लेबर इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड द इंटरेस्ट ड्यू इन रेस्पेक्ट देयर ऑफ. Further, it says that subscription to and for a repayment of advance from any provident fund, wages can be deducted for this subscription. Income tax can be deducted from the wages. Payment to cooperative societies approved by the state government or to a scheme of insurance maintained by the Indian Post Office. So, whatever payment under these to these cooperative societies or under schemes can be deducted. Deduction made with the written authorization of employee for payment of any premium on his life insurance policy or purchases of securities can also be deducted. But you have to remember one important thing here. Any wage period, the total amount of deduction should not exceed. Iske upar question bhi aa sakta hai. So total deduction should not exceed 75% of his wages if whole or part of the deductions are meant for payment to cooperative societies. And in other cases, it should not, that is, deduction should not exceed 50% of his wages. Now let's see the provisions related to maintenance of register and record. As per section 13A, every employer shall maintain such register and record and giving such particulars of person employed by him and the work performed by them and the wages paid to them and any deduction made from their wages and the receipts given by them and to other particulars in the prescribed form. And every register and record required to be maintained shall be preserved for a period of 3 years from the date of last entry made therein. Now, one more point, which is very important point, the last point, but very important point can be asked in the exam, the applicability of payment of wages. So this act, that is the Payment of Wages Act, will apply to wages payable to employed person in respect of wage period, if such wages for that wage period do not exceed 6,500 rupees per month or such other higher sum. Ab yahan pe yaad rakhna hai, ye jo higher sum hai, it will be on the basis of figures of the Consumer Expenditure Survey, which will be published by the National Sample Survey Organization. तो अगर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे पब्लिश किया है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने, तो ऐसे केस में वो उसमें जो फिगर्स दे रखे हैं वेजेस के, उससे ज्यादा अगर किसी के वेजेस है तो ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा. तो फॉर द टाइम बीइंग जो ये सैंपल सर्वे हुआ है उसका जो फिगर है वो 18,000 रुपीज पर मंथ है. इसका मतलब इफ अ पर्सन, this act will be applicable to the person who is earning, who is employed therein and who is earning
अप टू 18,000 पर मंथ रुपीस. इफ ही इज अर्निंग मोर देन 18,000 पर मंथ, देन दिस पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू दैट पर्सन. और इस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम.